नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत अनिल देशमुख से। जी हाँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख विवादों में छाए हुए हैं और विवादों में छाने की असली वजह है जो 100 करोड़ रुपए की वसूली हर महीने की जानी थी, इस बात को लेकर परमवीर सिंह महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसके बाद ये चिट्ठी इसने पूरा हड़कंप मचा दिया और महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। और अगर मैं बात करूं इस पर जो है साफ तौर पर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी की तरफ से बहुत बड़ी जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने भी आई है। और आपको यहाँ पर बता दूं कि फिलहाल अनिल देशमुख पर ना सिर्फ कांग्रेस जो है वो सख्त एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है बल्कि कांग्रेस जो है वो उद्धव सरकार को ये कह रही है कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री के पद से हटाया जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। अनिल देशमुख का मुद्दा बीजेपी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आसानी से अपनी रैली और जनसभा में उठा सकती है और ये बात कांग्रेस को आसानी से पता है। इसीलिए कांग्रेस से मांग कर रही है कि अनिल देशमुख को वाकई में हटाना चाहिए गृह मंत्री के पद से और सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके जरिए आपको बताऊंगा कि कांग्रेस किस तरह से अनिल देशमुख के खिलाफ अब फिलहाल हमलावर हो चुकी है और अनिल देशमुख पर निशाना साध रही है। देखिए, आपको बता दूं कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और जो मोदी है वो महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम को चुनाव प्रचार में उठाएगी और कांग्रेस को करप्शन पर घेरने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के लिए परेशानी का सबक भी बनने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है और जो करप्शन कर रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। यानी कि फिलहाल जो माहौल बन चुका है और अनिल देशमुख पर अब कांग्रेस खुलकर निशाना साध रही है और राहुल गांधी ने भी ये कह दिया था कि करप्शन की कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब अब अनिल देशमुख को कांग्रेस भी नहीं छोड़ने वाली है क्योंकि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है और इन चुनाव को कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ऐसे में यदि अनिल देशमुख गृह मंत्री पद पर बने रहते हैं तो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से यह भी कहा कि महाराष्ट्र में आगामी महानगर पालिका चुनाव में भी कांग्रेस और शिवसेना के लिए यह मुद्दा सिरदर्द बनेगा, इसलिए इस पर सख्त फैसला लिए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस में पिछले 2 दिन से मंथन चल रहा है और कांग्रेस आलाकमान की बात की जाए तो दिशा निर्देश पर प्रभारी SK पाटिल और संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की जो है बैठक भी की थी और बकायदा ये मांग की जा रही है कि अनिल देशमुख के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। यानी कि अनिल देशमुख के खिलाफ अगर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा और कांग्रेस पार्टी ये नुकसान बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आपको बता दूं कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि जिस तरह से देश में कांग्रेस पार्टी की हालत जो है वो फिलहाल बिखरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कांग्रेस को जरूरत है इन 5 राज्यों में जीत हासिल की जाए ताकि कांग्रेस को नई दिशा पर लेकर आया जाए। फिर चलते हैं अनिल देशमुख पर, और अनिल देशमुख की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर जो अनिल देशमुख का मामला सामने आया है और बकायदा वसूली का जो खेल महाराष्ट्र में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि क्या उद्धव सरकार इन सब बारे में जानती थी? क्या महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को ये पता था कि जो अनिल देशमुख है वो इतनी बड़ी वसूली का काम कर रहे हैं गृह मंत्री के पद पर बैठकर, और क्या ये काम बहुत समय से चलता आ रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो अब उद्धव ठाकरे से पूछे जाने चाहिए और उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा जा रहा है। उद्धव सरकार में रहते हुए इतनी बड़ी जो वसूली कांड हुई है और जो वसूली का खेल चल रहा था और 100 करोड़ रुपए बकायदा करप्शन, 100 करोड़ रुपए की जो वसूली हर महीने की जानी थी, इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह
कैसे महाराष्ट्र के मंत्री जो है वो अपनी जेब भरने के लिए कितनी बड़ी बड़ी वसूलियां कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इस काम में उन्होंने महाराष्ट्र के जो कमिश्नर थे, पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह, उनको तक लगा दिया था। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है तब से महाराष्ट्र सरकार विवादों में घिरी रही है। और अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की इतनी जल्दी जल्दी थी कि उन्होंने बीजेपी से ही नाता तोड़ लिया था, और वो ये चाह रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी काम उद्धव नहीं कर रहे थे, बल्कि एनसीपी और कांग्रेस कर रही थी, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस जो है बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी थी और वो उद्धव सरकार को जो है स्टैंड पर उन्होंने खड़ा कर रखा था। तो यहाँ पर अनिल देशमुख का मुद्दा बहुत ज्यादा अब गहराता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस ये नहीं चाह रही है कि किसी भी तरह से अनिल देशमुख का ये मामला जो है वो और ज्यादा गहराए, लेकिन कांग्रेस ये मांग कर रही है कि अनिल देशमुख के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। अगर सख्त से सख्त कदम कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो तो मांग कर ही रही है, लेकिन बीजेपी भी मांग कर रही है, और अगर अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो इसका सीधा असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा और बीजेपी इस मामले को बहुत आसानी से उछालेगी। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से उद्धव सरकार पर प्रेशर बना दिया गया है, और कांग्रेस की ये मांग है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जाए और अनिल देशमुख पर एक्शन लिया जाए। कांग्रेस जो है अब वो बिल्कुल भी अनिल देशमुख को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है, भले ही अनिल देशमुख और उद्धव जो है एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो है वो अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल बचाने से अब कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि खेल क्या हुआ है और ये खेल कितना महंगा कांग्रेस को भी पड़ने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार में नई उथल पुथल मच गई है, और जिस तरह से हलचल मची है कांग्रेस पार्टी में, वहां पर उद्धव सरकार के अंदर, इससे साफ पता चलता है कि किस तरह के हालात जो है अब बिगड़ते हुए महाराष्ट्र के अंदर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अनिल देशमुख पर आकर सुई जो है वो टिक गई है कि अनिल देशमुख के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि उद्धव सरकार ये मना कर चुकी है, शिवसेना प्रमुख की अगर बात की जाए, जो शिवसेना नेता संजय राउत, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह से अगर इस्तीफे लिए जाते रहेंगे तो सरकारें कैसे चलेंगी। यानी कि उद्धव सरकार अभी फिलहाल मूड में नहीं है कि अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जाए, यानी कि क्या ये सारी जानकारियां उद्धव ठाकरे को पहले से थी कि अनिल देशमुख इस तरह से वसूली का काम कर रहे हैं, और इस काम में उन्होंने बकायदा महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर को ही लगा दिया था। तो यहां पर महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह तो घिर चुके हैं, अब अनिल देशमुख और उद्धव सरकार भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या कांग्रेस के सख्त रवैये से अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाएगा, बड़ा एक्शन लिया जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।